उज्जैन का हर सिद्धि मंदिर माँ भवानी के ज्ञात 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर को 13वां शक्ति पीठ माना जाता है। हर सिद्धि मंदिर पूर्व में महाकाल एवं पश्चिम में रामघाट के बीच में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपने जामाता शिव और पुत्री सती को न्योता नहीं भेजा। माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। माता सती से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे कुपित शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उज्जैन के इस स्थान पर देवी की कोहनी गिरी थी। माँ हर सिद्धि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी और आराध्य देवी हैं, जिन्हें प्राचीन काल में मांगल चांडिकी के नाम से भी जाना जाता था। देवी यहाँ महाकाली, हर सिद्धि एवं अन्नपूर्णा तीन स्वरूपों में विराजित है। यह शक्तिपीठ है देवी का, जो 51 शक्तिपीठ है इसमें से एक स्थान है। यहाँ पर इसने सती की कोहनी के अंग गिरा था सीधे हाथ की। यहाँ तीन देवियाँ हैं, नीचे महाकाली है, ऊपर हरसिद्धि माता है जो मुख्य मूर्ति है, इनके ऊपर अन्नपूर्णा माता है। बाहर जो दीप स्तंभ है, यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होती है और ये दीप स्तंभ पर दीप जलाए जाते हैं। मंदिर के सामने दो बड़े दीप स्तंभ हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से एक शिव है जिसमें 501 दीप मालिकाएं हैं, जबकि दूसरा पार्वती है जिसमें 500 दीप मालाएं हैं। यह दीप मालिकाएं मराठा कालीन हैं। मंदिर में ही देवी श्रीचक्र बना हुआ है जिस पर 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है।